जनभागीदारी अध्यक्ष का मंडल कार्यकर्ताओं ने प्रथम नगर आगमन पर स्वागत सत्कार किया। मंडल अध्यक्ष ने गृह निवास पर किया आतिशी स्वागत। पोहरी नगर में प्रथम नगर आगमन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी सहित मंडल कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष अमित भार्गव का आतिशी स्वागत सत्कार किया, जहां मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने जनभागीदारी अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का माल्य अर्पण कर शॉल श्रीफल भेंट किए। बता दें कि पार्टी की अनुशंसा पर शिवपुरी कार्यालय प्रभारी अमित भार्गव को शिवपुरी महाविद्यालय में जन भागीदारी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद रविवार को पोहरी में प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां नगर आगमन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्य अर्पण कर शॉल श्रीफल भेंट कर सत्कार किया। साथ ही ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडे, जिला सचिव महेंद्र शर्मा का भी स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, युवा मोर्चा अशोक गुर्जर सहित अन्य के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जन भागीदारी अध्यक्ष बनने के बाद आज आपका पोरी में प्रथम नगर आगमन हुआ है, बेहद भव्य स्वागत सत्कार हुआ, क्या कुछ कहना? सब पोरी अपना परिवार जैसे ही है। आशु भाई हमारे बहुत पुराने, इनसे संबंध रहे हैं, RSS के समय से हम लोग स्वयं सेवक रहे हैं, और जब भी घर में आते हैं तो अच्छा ही लगता है। और सभी भाइयों से नव वर्ष के अवसर पर मुलाकात हुई, सभी को शुभकामनाएं आगे के लिए। और मुझे पिछले 2 महीने पहले 4 नवंबर को जनभागीदारी की नियुक्ति मुझे उच्च शिक्षा विभाग से श्रीमंत यशोदराय सिंधिया जी के आशीर्वाद से, और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू वाथन जी और समस्त जिला नेतृत्व और वरिष्ठ नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे ये भूमिका मिली। तो उसके बाद मैं कॉलेज में ये कोशिश करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं कॉलेज में चल रही हैं, बच्चों के लिए मेगावी छात्र योजनाएं और भी बहुत सारी योजनाएं, SC ST के लिए फ्री बुक्स की योजनाएं, तो उनको सभी बच्चों के साथ में न्याय हो सके, सभी को साथ में लेके चल सकें और शासन की नीतियों से उनको अवगत करा सकें, किसी भी छात्र छात्राओं को कोई परेशानी ना हो, यही हमारी भूमिका रहेगी। और आगे भी हम उनके लिए लगातार कार्य करते रहेंगे, जो भी छात्र छात्राएँ किसी भी समाज किसी वर्ग के हों तो वो कॉलेज में आते हैं तो उनका ध्यान रखा जाएगा पूरा, और यही मेरी योजना रहेगी।